नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां दो सगे भाइयों ने किशोरी के साथ गैंगरेप किया है। मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में घटित हुई है, जहां 16 वर्षीय किशोरी के साथ दो आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब किशोरी घर में अकेली थी। दिन दहाड़े 9 बजे सुबह घर में घुसे दो बदमाशों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। जब किशोरी ने विरोध किया और शोर शराबा मचाया तो किशोरी को आरोपी धमकी देते हुए भाग निकले, जिसके बाद पीड़िता ने घर के सदस्यों को जानकारी दी है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। पीड़िता की शिकायत पर गढ़ पुलिस ने मिन्नू गौड़ और उसके भाई जितेंद्र गौड़ के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी फरार है। बताया जाता है कि 6 माह पहले आरोपियों की बहन के साथ भी पीड़िता के भाई ने दुष्कर्म किया था। वहीं अब आरोपी की बहन के साथ दो युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पीड़िता का मेडिकल करवाने की तैयारी में है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गोड़ थाना क्षेत्र से, जहां दुष्कर्म का बदला लेने के लिए दुष्कर्म की ही वारदात को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है गढ़ थाना क्षेत्र से, जहां दुष्कर्म का बदला लेने के लिए दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।